हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग हब। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जयंती आने वाली है, इसलिए मैं हनुमान जयंती स्पेशल रोट प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। ये उनका सबसे प्रिय भोग है। इस भोग को बनाना बहुत इजी है और ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। तो चलिए हनुमान जी के प्रिय भोग को बनाते हैं। रोट प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कप आटा। आप चाहे तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी यूज कर सकते हैं, और ये नॉर्मल आटा है। और अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप घी। ये घी को मैंने मेल्ट कर लिया, ये थोड़ा सा गुनगुना है घी। और अभी हमें इसे अच्छे से आटे में मिक्स करना है ताकि हमारा मोहन एकदम अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। इसे आप दोनों हाथों से मिक्स करें ताकि कोई भी गुठलियां ना रहे। और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मोइन मिल चुका है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गुड़। ये गुड़ बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप थोड़ा भी मोटा अगर रखेंगे तो वो फिर आटे में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ अभी। तो अगर मोटा गुड़ है तो आप थोड़ा सा पानी 2 चम्मच डाल के पहले उसे मिक्स कर ले, घोल बना ले, और उसके बाद आटे में मिक्स करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि गुड़ और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, गुड़ का कोई भी टुकड़ा ना रहे फ्रेंड। तो ये यहाँ पे आप देखें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला है ये सूखा नारियल, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है, और आधी छोटी चम्मच छोटी इलायची पाउडर। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ नारियल डाला है। और अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क, ये कच्चा दूध है। इसे डाल के हमें अभी आटे को एकदम सख्त गूंथना है फ्रेंड। थोड़ा भी इसे आप सॉफ्ट ना गूंथे, नहीं तो जो हमारा रोट बनेगा वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अभी आप देखें मैंने यहाँ पे फिर से 1/4 कप मिल्क लिया है, और आप मिक्स ज़्यादा करें क्योंकि इसमें गुड़ भी है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। पहले लगेगा आपको कि ड्राई है, लेकिन बाद में वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट ही अच्छा बन जाता है हमारा आटा। और यहाँ पे 1/2 कप मिल्क ही मैंने डाला है, और आप देख सकते हैं कि आटा एकदम अच्छे से गूंथ रहा है। तो हमें इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए अच्छा सा सख्त सा डो लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा रोट का आटा तैयार है। तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट रख दिया था ढक के, और अभी हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। एक साथ बना लें ताकि बराबर से हमारा रोट बने। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको आप बना लें छोटे छोटे बॉल। और यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है, बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, और इसे डाल के हमें हाथों से फैलाना है जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं, जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं। और इसमें जो इसके किनारे हैं वो फटेंगे क्योंकि बहुत ड्राई है आटा, हमें बहुत सख्त लिया है। तो हमें उसे मिक्स करते हुए गोल बनाना है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे साइड से दबाते हुए इसे चिकना कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखें उंगली से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छा दिखे, ऐसे सुंदर दिखेगा हमारा रोट। तो आप चाहे तो कुछ और भी डिजाइन बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से फोर्क से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं साइड से। और अभी मैंने यहाँ पे एक स्टिक चाहिए था तो मैंने ये पेंसिल लिया है, और बस इसे गोल गोल ऐसे प्रेस किया ताकि ये अच्छा दिखे फ्लावर टाइप का। और यहाँ पे अच्छा सा हमारा रोट पक भी जाएगा, होल होने से अच्छे से पकेगा। तो इसी तरह से मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। और ये प्रसाद बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड। आप कभी भी ऐसा मंगलवार और शनिवार को हमेशा बना के आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। आप चाहे तो ऐसे प्लेन भी ऐसे हाथों से प्रेस करके बना सकते हैं। और ये हमारा रोट देखे, ये दूसरा भी तैयार है। तो इसी तरह से हम लोग सारे रोट को बना लेंगे। जब तक ये बन रहा था तब तक मैंने यहाँ कढ़ाई में घी डाल दिया था गरम होने के लिए। तो घी बहुत नॉर्मल सा गरम है, बहुत गरम में हमें नहीं डालना है।
और इसे लो फ्लेम पे आप तले, फिर बाद में थोड़ा हाई करें, ज़रूरत हो तो फ्लेम को लो मीडियम हाई फ्लेम पे ऐसे तले अपने हिसाब से। और प्रसाद कभी भी घी में ही बनाते हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे घी का ही यूज किया है फ्रेंड। और उस तरफ से हमारा रोट पक चुका था तो मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया है, और ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा तो टूट भी सकता है, तो आप ऐसा इजली इसे आराम से इसे उपलटें। और ये देखें आप, 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे इस रोट को बनाने में, और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से तल चुका है। आप देख के समझ सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना होगा। और अभी मैं यहाँ पे जो हमारे बचे हुए रोट है उसे भी तल लूँगी। और बस इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसे भी तला है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा रोट प्रसाद रेडी है। तो आप इस हनुमान जयंती ये इस रोट प्रसाद को ज़रूर ट्राई करें और हनुमान जी को भोग लगाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।